हुआ यूं कि तुगलक जब पीछे पड़े तो हजरत निजामुद्दीन कभी इधर जाते और कभी उधर, वो सफर पर रहते तो उसी सफर में से एक वाकया कि वो हजरत अमीर खुसरो के साथ सफर में थे। चंद लोगों ने कहा कि ये जो खुसरो है ये गाता बजाता है, दरबारी शायर हो गया है, लेकिन ये तो सब गैर इस्लामी है। साहब उन्होंने ये बात सुनी, कान का आए बड़े गमगीन हुए, लोग यहां भी ना माने। अजी उन्होंने कहा कि इसके लिए तो फतवे और मशवरे मंगवाओ कि ये मस्जिदी वासिदी, ये तो सब गैर इस्लामी है। तो वो लिख के पहुंचे हजरत नामुद्दीन के पास। हजरत नामुद्दीन ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह ने दाऊद के गले में जो सोच दिया था वो क्या गैर इस्लामी था, वो भी तो गाने थे कि वो भी तो नबी थे, वो भी तो पैगंबर थे। डीजे साहब उसका जवाब भी आ गया इधर से। इधर से किधर से? अजी अरब से। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि हम तो इसका जवाब दे ही नहीं सकते, तो अरब पार के आलिमों ने इसका जवाब भेजा और कहा कि हम भी आते हैं हिंदुस्तान। मौसिकी वो है जायज जिसमें इंसान का दिल खुदा की याद में खो जाए और उसे लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, जिसमें नूर हो, जिसमें रंग हो, फकत वो जायज है वही फोर्स। ये जो आया अच्छा हजरत नामुद्दीन ने दिया अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो कई दिन के लिए आया। लोग कहते मियां खुसरो तो गए, ना दरबार में आते हैं ना खान का जाते हैं, ना सब गैर इस्लामी था, गाना बजाना बंद हुआ, शायरी खत्म हुई। हमारे उसको फिर अमीर खुसरो कौन कहता जो इस बात के जवाब न दे। मोहब्बत इंतसारी रूहानियत का जवाब। तो साहब यूं हुआ कि वो अरब के जो थे वो आए और बैठे, उन्होंने कहा लो जी आज तो हम इसका मामला खत्म कर देते हैं, आज तो इस बात को हम खत्म कर देते हैं कि ना दे सके हमारी बात का जवाब। तभी खुसरो आए अपने शागिर्दों को लेके आए और उन्होंने कहा इसका जवाब तो मेरे शागिर्द देंगे। अमीर खुसरो ने जो बंदिश बांधी थी वो नबी पाक का एक कौल था, जो उन्होंने नबी पाक की बातें फरमाई वो इस्लाम में कुरान के बाद दूसरी सबसे अहम बात। ये तारीख में किसी ने जुर्रत ना की थी कि वो कौल को मौसिकी में बांधता, उन्होंने उसको मौसिकी में बांधा और जिसने सुना उसने खो गया। लोग खामोश थे मगर उनका दिल पुकारता था, कौल था मन तुम तो मौला, जिसने सुना उसने कहा कि ये तो वही है कि इंसान का दिल खुदा से जुड़ जाए। और जिन शागिर्दों ने, जिन मुरीदों ने, जिन सूफियों ने ये कौल उस वक्त गाया था, आज आपके सामने 850 साल की वही परंपरा, वही रिवाज, उन्हीं के खानवादे, उन्हीं के शागिर्द, वही सूफी आज आपके सामने मौजूद है। दिल्ली के सूफी, दिल्ली के शहंशाह, मन कुन तो मौला।
ले लाया ले लो हर रानी।